यूपी में भारी बारिश के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एक बार फिर लखनऊ में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार सरकारी अस्पतालों में मरीज और उनके तीमारदारों की देखरेख व्यवस्थाओं का दावा कर रही है। इसी बीच एमकेएन न्यूज संवाददाता आदित्य सैनी ने बलरामपुर हॉस्पिटल से ग्राउंड रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश की राजधानी में हूँ और आपको बता दूँ कि पीछे आप देख पा रहे हैं कि ये डेंगू वार्ड है और आपको बता दूँ ये राजधानी लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल है और पीछे जो मरीज़ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मरीज परेशान है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। चार दिन हो गए अस्पताल सही से सुविधाएं दे रहा है? कुछ नहीं, ऐसे बस पड़े रहो, एक इंजेक्शन लग गया सुबह शाम बस। और आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे, अस्पताल की तरफ से सारी सुविधाएँ मिल रही हैं? कोई सुविधा नहीं मिली, तीन दिन से यहाँ पर हैं और तीन दिन से कोई डॉक्टर वगैरह बस देख करके चले जाते हैं, कोई इलाज नहीं हुआ। तो अस्पताल की तरफ से सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? हाँ, इलाज तो मिल रहा है, लेकिन सबसे समस्या गर्मी वाली है। मच्छर उच्छर लगा लो तो और उलझन लगने लगती है। हमने कहा एक पंखा अपना लगवा लें तो कहला नहीं, अलाउ नहीं है यहाँ पर, हम अपना पर्सनल लगा लेते हैं। और डेंगू में वैसे बहुत गर्मी में परेशान है बहुत ज़्यादा। किस तरीके से अस्पताल की सुविधाएँ आपको मिल रही हैं? सर हमें तो लग रहा है कि हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छी सुविधाएँ, क्योंकि एक हॉस्पिटल से रिफ़र किया गया इस हॉस्पिटल में, तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि हम बच पाएंगे। जब से यहाँ पे आए लगातार हमारे डॉक्टर्स और नर्स जो भी हैं सब लगातार हमारा ध्यान दे रहे हैं। जिस तरीके से कई मरीज परेशान भी हैं, वहीं पे कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें सुविधाएं मिल रही हैं, जो ये जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर हम इस अस्पताल में नहीं आते तो हमें मैं जिंदा नहीं रहते। तो आपको बता दें कि बलरामपुर अस्पताल राजधानी लखनऊ का जाना माना अस्पताल है, जहाँ पर डेंगू के मरीज यहाँ पर जिनसे बातचीत की, और आगे और भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं आदित्य, एमकेएन न्यूज़ लखनऊ। लगातार डेंगू के मरीज उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं और आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे बीच में डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी हैं, जानेंगे कि जो डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे। सर, डेंगू के मरीज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसमें? इस महीने डेंगू के मरीजों में इजाफा हुआ था, लेकिन पिछले 7 दिन से लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी आ रही है और हमारे पास ऑन एन एवरेज 15 केसेस पर डे डिटेक्ट हो रहे हैं, जिनमें से सभी स्वस्थ हैं और अपने घरों में इलाज कर रहे हैं। उनको सरकारी अस्पतालों से पूरी दवाएं मिल रही हैं, आईवी फ्लूइड्स और ओआरएस इत्यादि की आवश्यकता पड़ने में वो भी उपलब्ध करा दिया जाता है। हमारी फील्ड टीम्स जो है लगातार काम कर रही हैं फील्ड में, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग एक साथ काम कर रहा है और सुबह 6 बजे से हम लोग की गतिविधियाँ शुरू होती हैं, जो कि रात को 8 बजे तक चलती रहती हैं। उसके बाद फॉगिंग का दौर आता है, जो कि नगर निगम अकेले करता है। हर घर के पास जो मच्छर जनित कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।